साथ शेयर कर रही हूँ ट्रेडिशनल कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। ना इसमें प्याज पड़ेगा, ना लहसुन, ना टमाटर। ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने बोला है कि आप कमेंट कीजिए, और कमेंट जब आप करा करिए तो आप ये बताया करिए कि आप कौन से शहर से हैं। समृद्ध गुप्ता जी मेरी सब्सक्राइबर हैं और वो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, वो गोरखपुर में रहती हैं। तो आप लोग भी वैसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहर से हैं और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई नई रेसिपी सीखनी हो तो वो भी मुझे बताइए। हेलो, कैसे हैं आप सब? नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी साझा करने आई हूँ। मैंने पहले होटल स्टाइल कश्मीरी दम आलू आप लोगों को सिखाए हैं, लोगों ने बहुत पसंद करे हैं, उन सब के लिए मैं बहुत ही सबके शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे कश्मीरी दम आलुओं को इतना पसंद किया। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल कश्मीरी दम आलू। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम आलू ले रखे हैं। पहले मैंने इनको अच्छे से धो लिया और फिर इनको काट लिया है, फिर मैंने इनको पानी में रख दिया था। ठीक है, आलू में हम फॉक से छेद बना लेंगे अच्छे से। ये देखिए, चारों तरफ अच्छे से सारे आलूओं में हम ऐसे ही छेद कर देंगे। ठीक है, ये छेद हम लोग इसलिए करेंगे कि जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो सारी ग्रेवी आलूओं के अंदर अच्छे से चली जाए, और अभी हम अपने आलूओं को फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए। अब हम सारे आलूओं में ऐसे ही छेद कर लेंगे। गैस हमने ऑन कर दी है और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ाई है। आज हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल लिया है फ्राई करने के लिए, और उसी में हम अपने कश्मीरी दम आलू भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें सरसों का तेल का यूज़ करेंगे। जो ट्रेडिशनल कश्मीरी दम आलू होता है ना, वो सरसों के तेल ही में बनता है, तो इसलिए हम सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। ना इसमें प्याज का इस्तेमाल होगा, ना लहसुन, ना टमाटर। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल कश्मीरी दम आलू। बेबी पोटैटो ले लीजिएगा, छोटे वाले आलू। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, सरसों का तेल, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। आलूओं में बिल्कुल पानी ना हो। अच्छा, देख लीजिएगा, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे आलूओं को। ये देखिए, आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मगर ये अभी हाफ डाउन है। अभी हम इनको निकाल ले रहे हैं, अभी हम एक बार इनको फिर से करेंगे। आप जब भी कश्मीरी दम आलू बनाइए तो आप बेबी पोटैटो लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास आज थे नहीं, तो आज मेरे पास ये बड़े ही थे तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। आप जब भी बनाइएगा तो बेबी पोटैटो लीजिएगा, और इसको इधर साइड में कर देंगे। जब आप बेबी पोटैटो लेंगे, छोटे वाले आलू, तो वो एक ही साइज़ के लीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि बड़े वाले पकते नहीं है और छोटे वाले जल्दी से पक जाते हैं। ठीक है, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं कश्मीरी दम आलू के लिए। ये मैंने 1 टेबल स्पून शाही जीरा लिया है, 4 लौंग ले रखी हैं, 1 बड़ी इलायची ले रखी है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ले रखी है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले रखा है, और 1 चुटकी हींग ले रखी है। ये मैंने 1 टेबल स्पून सोंठ का पाउडर ले रखा है, 1 टेबल स्पून मैंने ये सौंफ ले रखी है। ठीक है, इसको भी मैंने दरदरे करके पाउडर बना लिया था। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले रखा है हमने। ये 1 कटोरी हमने दही ले रखा है, दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको मैंने मिक्सी में हल्का सा फेंट लिया है। देखिए, 1/2 कटोरी हम ये पानी ले रहे हैं, और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, वो हम इस पानी में ऐड कर ले रहे हैं। सारा डाल लीजिए।
ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला लेंगे कि कोई क्लंप ना रहे इसमें, ठीक है। ये देखिए पानी में कश्मीरी लाल मिर्च हमारी अच्छे से घुल गई है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों का तेल ले रखा है और जो बाकी तेल था वो फ्राई पैन में डाल दिया है। इसमें हम एक बार अपने आलूओं को फिर से करेंगे फ्राई, क्योंकि अभी ये 70% किया है हाफ डाउन, और फिर हम इसमें एक बार जब हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो फिर से हम इसमें फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म ही है। सबसे पहले हम डालेंगे शाही जीरा। गैस की फ्लेम को मीडियम ही कर दीजिएगा। डालेंगे लौंग और ये बड़ी इलायची, हल्का सा इसको चला लेंगे और हींग भी डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है शाही जीरे, लौंग, बड़ी इलायची और हींग की। अब ये जो हमने दही ले रखा है इसमें हम ये जो सोल्ट है वो ऐड करेंगे और अपनी सौंफ ऐड करेंगे। जीरा हमारा रेडी हो गया है। अब ये जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने पानी बनाया था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन की गैस को ऑन कर दिया है अपने आलूओं को एक बार फिर से डीप फ्राई करने के लिए। कश्मीरी दम आलू कश्मीरी पंडितों की स्पेशल डिश है। हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसमें हमने सोल्ट डाली है और सौंफ डाली है। गैस को बंद कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखिएगा। जो हमने इसकी गैस बंद करी थी ना तो हमने इसलिए बंद करी थी कि कभी कभी जब गर्म में हम दही डालते हैं ना तो दही फट जाता है। और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और फिर 2 मिनट बाद फ्लेम खोल लीजिएगा, जिससे हमारा दही फटेगा नहीं। देख रहे हैं ना हमारा दही फटा नहीं है। अब हम इसमें हल्दी भी ऐड कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से पका लेंगे हम। इस ग्रेवी में ना हम लहसुन यूज़ करते हैं ना टमाटर और ना प्याज। ये बिना लहसुन प्याज और टमाटर के बनने वाली कश्मीरी दम आलू है। एक बार आलूओं को फिर से हम करेंगे डीप फ्राई। इस ग्रेवी में हमें आलू जो है ना वो बिल्कुल गर्म ही गर्म डालने हैं, क्योंकि उनमें इस ग्रेवी का जो रस है वो अंदर तक चला जाए, ठंडे आलूओं में नहीं जाता है, इसलिए हमने इसको हाफ डाउन किया था। देखिए आलू हमारे अब हो गए हैं रेडी। इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है और अब ऑयल भी ऊपर आने लगा है। हम आलूओं को इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर आप देख रहे हैं ना कि कितना प्यारा आ रहा है। इसको 5 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ कि अगर आलू में कोई कसर हो तो वो अच्छे से पक जाए, और बीच में एक दो बार इसको चला ले हटाते हैं। वाओ ये देखिए ट्रेडिशनल कश्मीरी दम आलू हमारे हो गए हैं रेडी। गैस को करते हैं ऑफ। देख रहे हैं ना कितने सुपर्ब लग रहे हैं। इसको हम सर्व कर ले रहे हैं।
और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कश्मीरी दम आलू हमारे हो गए हैं रेडी। कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की स्पेशल डिश आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनी हुई है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा कि ये आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।